लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। अब बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कि तुमको समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को, कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो दो दिन में सब भूलवा जाता है। कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धोकर के मेरे पीछे पड़ गए। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर। बाद में जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएसए यूके से कहीं से कुछ नहीं किया। ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, तो सबकी तो जरूरत ही नहीं। आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? 20,000 की इमेजेस है वो कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं, उनसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। हमें मिल गई 20,000 रुपए में, कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांगूंगा। 1 करोड़ रुपए अगर देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। इनके क्या इनके जो फाइनेंशियल है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए 2-3 लाख करोड़ की। टर्नओवर पता है कितनी पिछले साल की? 172 करोड़। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है। किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। #StopVivekBindra